क्या हो मैं इतना आश्चर्य है ना। तो क्या हो गया? ये स्कूल से, सॉरी मैंने आपको बीच में रोका, ये स्कूल से कॉल आ रहा था, इनको नेटवर्क इशू है बेटा। तो क्या हमें मिला है? हेटेरोज़ाइगस। ये हमें F1 जनरेशन मिली। मैं आपको जनरेशन टू जनरेशन सेम कैसे रहा? अब हम F1 जनरेशन को क्या करेंगे? सेल पॉलिनेशन करेंगे। कैसे करेंगे सेल पॉलिनेशन? हम सेल पॉलिनेशन ऐसे करेंगे, हम एक बॉक्स बनाएंगे, हम इसी को सेल पॉलिनेशन अपने ही के साथ, इस जो हमें F1 निकला ना, इसको सेल पॉलिनेशन करेंगे। क्या करेंगे सेल पॉलिनेशन? ये हम ऐसे मेल रखेंगे, ऐसे फीमेल डिनोट, यहाँ से मेल, यहाँ से, इसी को हम डिनोट करेंगे मेल, इसी को फीमेल, एक को हम फीमेल कर, मैम आपने माइक फिर से बंद हो गई, फिर से माइक यहाँ फिर टी लिखा, यहाँ से टी लिखा, देखो कैसे कर, यहाँ से हमें, यहाँ से इसको मल्टीपल करना, टी 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 मिला, दैट मीन्स टॉल, टी टी दैट मीन्स टी टी, मगर यहाँ पे टी कैपिटल टी डोमिनेंट होगा क्योंकि ये डोमिनेंट है, टॉल है, डोमिनेंट है, यही ज्यादा है एक्सप्रेसिव, यही है वहां पे, तो इसमें टॉल ही आएगा, यहाँ पे टी टी आएगा, यहाँ पे टी टी आएगा, दैट मीन्स हमारा रेशो क्या मिलेगा, हमें क्या रेशियो मिलेगा, हमें मिलेगा 3:1, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, ये ड्वार्फ है, क्लियर, 3:1 रेशियो, क्लियर हो गया आपको? थ्री अच्छा मैम आपने ऐसे किया, मैं जो फिर से समझाइए वाला, ये सेल्फ पॉलिनेशन का, मैम फिर से समझाइए, ये मैंने इसको, ये जो F1 जनरेशन है ना, इसको मैंने सेल्फ पॉलिनेशन की, अपने ही के साथ सेल्फ पॉलिनेट किया, कैसे किया, मैंने इसको इससे मेल डिनोट किया, इससे फीमेल डिनोट किया, यहां से मैंने मेल को रखा, एक को मैंने सेल्फ पॉलिनेशन की ना, एक को मैंने मेल डिनोट किया, दूसरे को फीमेल, यहां से मैंने मेल रखे, यहां से फीमेल, इनको मल्टीप्लीकेशन, सिंपली मल्टीपल करना है, टी टी यहाँ से निकला, टी टी कैपिटल टी स्मॉल कैपिटल टी, दो कैपिटल टी है ना, दो यहाँ पे स्मॉल टी है, यहाँ पे कैपिटल टी है, टी और टी, मगर यहाँ पे कैपिटल टी ही डोमिनेंट है, डोमिनेंट है क्योंकि कैपिटल टी ही हमेशा एक्सप्रेसिव है, वो मैंने आपको कल बोला डोमिनेंट जो होता है वो एक्सप्रेसिव होता है, कैपिटल टॉल क्या है, डोमिनेंट है, वही एक्सप्रेसिव है, फिर यहाँ और यहाँ इसके साथ मल्टीपल टी टी, वो आता है टी टी कैपिटल टी स्मॉल टी, वो ये भी डोमिनेंट है, यहाँ पे टी टी ये क्या आता है स्मॉल टी, दोनों डिवाफ, दोनों डिवाफ है, इसीलिए 3:1 रेशो, जो ये 3:1 जो कैरेक्टर हमें यहाँ पे दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं 3:1 रेशो कैरेक्टर दिखता है, इसको हम फिनोटाइपिक कैरेक्टर बोलते हैं, फिनोटाइपिक कैरेक्टर, फिनोटाइप, फिनोटाइपिक रेशो भी, फिनोटाइपिक कैरेक्टर भी बोल सकते हैं, क्लियर आ गया? 3:1 समझ आया? यस मैम, 3 जो है वो टॉल के हैं और जो 1 है वो ड्वार्फ का है। ये क्या हमें निकला, ये F2 जनरेशन, 3:1 क्या निकली हमें, F2 जनरेशन क्या निकली हमें, F2 जनरेशन। हाँ मैं अब मैं आपको जीनोटिपिक रेशियो दिखाऊंगी इसी का, ये मैंने जो बॉक्स, ये मैंने वापस आपको दिखाने के लिए बनाया, जो मैंने अभी बॉक्स बना, यहाँ से मेल यहाँ से फीमेल, वहां पे था कैपिटल टी स्मॉल टी, थीन था ना कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका मैंने किया, वहां से क्या निकला टी टी, एक टी टी निकला, एक टी टी निकला, निकला दूसरा क्या निकला टी टी, दूसरा टी टी, यहाँ पे टी टी, यहाँ पे स्मॉल टी टी, यही निकला ना, ये कितने निकले, ये कैपिटल टी दोनों कितने निकले, एक, ये कितने निकले स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, दो निकले ना कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, ये निकले 2:1:2, ये यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी कितना निकला, कैपिटल टी स्मॉल टी,
है ना, ये सॉरी ये क्या स्मॉल टी दोनों है, लास्ट में है ना स्मॉल टी, यहाँ पे ये स्मॉल टी डिवाफ डिवाफ, ये कितना निकला एक, 1:2:1 रेशो निकला, इसको हम जीनोटिपिक रेशो बोलते हैं, क्या बोलते हैं जीनोटिपिक रेशो, क्लियर हो गया। अब आप बोलोगे मैम रिपीट कीजिए, वापस मैंने यही सेल पॉलिनेशन की, इसमें से मैंने फिनोटिपिक रेशो निकाला 3:1, वो पता है कैसे, उसमें टॉल 3 है, क्योंकि अगर पीछे टी कैपिटल टी होगा तब भी वही एक्सप्रेसिव होगा, वही डोमिनेंट होगा। देखो यहाँ पे क्या निकला, टी टी एक टी कैपिटल टी दोनों है, दोनों जीन्स कैपिटल है, दोनों जीन्स, ये जीन्स होते हैं, ये जो जीन्स है ना इनको बोलते हैं जीनोटिपिक जीन्स, क्या बोलते हैं जीनोटिपिक जीन्स, तो ये जीन्स है ना कैपिटल टी स्मॉल टी, क्या है कैपिटल टी स्मॉल दोनों टॉल, यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी ये कितने निकले, कैपिटल टी स्मॉल टी कितने निकले, 2 लिखे दो, यहाँ पे स्मॉल टी दोनों डिवाफ दोनों 1, इसको हम जीनोटिपिक रेशियो बोलते हैं, 3:1 को फिनोटिपिक रेशियो, 1:2:1 को हम फिनोटिपिक रेशियो बोलते हैं, क्लियर? नो मैम जीनोटिपिक रेशियो, सॉरी जीनोटिपिक, हाँ वही वही मैंने ऑलरेडी बोला, ये कंफ्यूजन हो गया मुझे, फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक गलती से हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी। अब आपको समझ आया कैसे हो गया ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस, पहले हमने क्रॉस किया 50% एक से आगे, 50% एक से वहां से हमें F1 जनरेशन निकली, फिर जब हमने इसको सेल पॉलिनेशन की, खुद अपने साथ ही सेल पॉलिनेट किया, एक को हमने डिनोट किया मेल, दूसरे को फीमेल, जब सेल पॉलिनेशन निकली रेशियो निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, जो उसमें जीन्स है ना इसको टी स्मॉल टी है वर्सेस अभी ये टॉल है, मगर जो इसका डोमिनेंट इसके जीन्स है ना वो डिफरेंट है, एक टॉल है दूसरा डिवाफ है, यहाँ पे भी एक डिवाफ टॉल है दूसरा डिवाफ है जीन, यहाँ पे दोनों डिवाफ है, दोनों जीन्स डिवाफ के हैं शॉर्ट के हैं, तो इसका रेशियो है 1:2:1, ये जीनोटिपिक रेशियो। ऊपर ये जो टेबल है ना, हाँ ये टेबल है, टेबल है ना, दूसरा जो इसमें है ना दूसरा वाला, यही वाला जिस पे आपका हाथ है, जिसका तीसरा वाला है ना आपने लिखा पहले वहां पे स्मॉल, वहां पे आपने लिखा कैपिटल टी फिर लिखा आपने स्मॉल टी, इस वहां पे लेकिन आएगा ना पहले स्मॉल टी फिर कैपिटल टी, मैंने आपको जल्दी में दिखाया बेटा, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी आपको ये बॉक्स दिखाया है स्मॉल टी कैपिटल टी, ये मैम इस मैं अच्छा ये सेम है, ये सेम है, तब भी वहां पे डोमिनेंट, तब भी वहां पे कैपिटल टी ही डोमिनेंट है, तब भी वहां पे कैपिटल टी ही एक्सप्रेसिव है, क्लियर? इससे कोई प्रॉब्लम, मेरे दिमाग से निकल गया था ये बोला मैंने यहाँ पे, इसलिए आपको स्मॉल टी पहले लिखा, मैंने बोला अगर पीछे भी कैपिटल टी होगा ना तब भी कैपिटल टी ही डोमिनेंट, तब भी कैपिटल टी ही इस पे हक जताएगा, तब भी कैपिटल टी इस पे हक जताएगा, क्लियर? सिंपल वर्ड्स आया समझे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। कल हम पढ़ेंगे डाईहाइब्रिड क्रॉस, क्लियर हो गया? मुझे स्कूल से बेटा कॉल आ रहा है, पहले मैं कॉल करूंगी इनको बेटा, सॉरी मुझे लीव करना पड़ा मैम। एक मिनट मुझे आपको ये इन्फॉर्म करना था कि मैम मैं कल नहीं कर पाऊंगी क्लास अटेंड। आपका नाम नायरीन एजाज? नो मैम जारा मैम, मेरे भाई के एग्जाम है, वो है ना 7th क्लास में, उनके एग्जाम चल रहे हैं ना। हाँ, तो, बिल्कुल हाँ अभी हमें थोड़ी सी फोन प्रॉब्लम है, इसलिए मुझे उसका कल है एग्जाम इसी टाइम पे जिस टाइम पे हमारी बायो क्लास होती है, तो इसीलिए कल मैं नहीं कर पाऊंगी ज्वाइन। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं मेरी जान, फिर मैं लेक्चर देखूंगी वीडियो ये ना यूट्यूब पे जो शाम को फिर अपलोड करते हैं स्कूल में। बिल्कुल 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 बिल्कुल, आप उस पे देखना, मैं आपको तब भी ये डिनोट करूंगी, कोई बात नहीं, आपका पर्सनल इशू है कोई बात नहीं, ये इशू मैं कंसिडर करूंगी, कोई इशू नहीं बेटा। थैंक यू मैम, थैंक यू, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नो नीड। तो बाकी आप लोगों को मुंतजिर मेहदी, आपको समझ आया बेटा?
मुंतजर मेहदी, मुंतजर मेहदी, मुंतजर मेहदी, आपने अनम्यूट की माइक, तो बात कीजिए। म्यूट आपने अनम्यूट की ना माइक, अब बात तो कीजिए। हफ्सा बिलाल रोल नंबर टू, आपको बेटा समझ आया? यस मैम। आप बेसिकली कल क्लास में नहीं थे, कल सिर्फ नायरीन एजाज थी और जारा जफर थी क्लास में, इसीलिए आपको ये क्लियर नहीं हुआ होगा, बट मैं रिपीट नहीं कर सूंगी। ऑलरेडी आपको बहुत कम क्लासेस हो गई है बायो के लिए। तो मुंतजर मेहदी, मैं बोल रहा हूँ, पता नहीं मेरी आवाज आ बाकी बच्चों को काट काट करके आ रही है। नो मैम, मुझे तो साफ आ रही है। मुंतजर बोल रही है कि आपकी आवाज कट कट के आ रही है, तो ये तो इनका नेटवर्क इशू होगा। बाकी बच्चों को क्लियर आ रही है? आ रही है कि नहीं क्लियर बाकी बच्चों को? यस मैम। ये बोल रही है मुंतजर मेहदी, जब आप पढ़ा रहे थे कट कट के आवाज, मुझे समझ नहीं आ रहा है, कट कट के आवाज आ रही थी। मैं आपके लिए एक और बार रिपीट मुंतजर करूंगी। अब तो आवाज आ रही है, इतना तो आपने सुना कि मतलब मैंने आपको बोला माइक ऑन कीजिए, आपने मुझे वहां से मैसेज की, दैट मींस आपका इशू है, आप माइक आप बोलना नहीं चाहते। ये जब समझ आया मैम बोल रही है अनम्यूट कीजिए माइक, ये कैसे समझ आया? ये मत काट काट के आ रही आई बात। सुनिए, मैंने आज मोनो हाइब्रिड क्रॉस किया, हमने ऑलरेडी पढ़ा है बैंडल्स कंट्रीब्यूशन, उसमें हमें रूल्स पढ़ने, रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस। रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस क्यों पढ़ना है हमें? ताकि हमें देखना है कि जनरेशन टू जनरेशन कैसे रिजल्ट्स आएंगे, एक जनरेशन में क्या रिजल्ट आएंगे, दूसरे जनरेशन में क्या रिजल्ट आए। जनरेशन हम डिनोट करते हैं F1, F2, F3, ऐसे ही F4, ऐसे कैरी ऑन होता है ये। तो इसके लिए हमें क्रॉस करना है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस मींस सिंगल को मिलाना है। सिंगल मींस मोनो हाइब्रिड में क्या करते हैं, सिंगल कैरेक्टर हम लेते हैं, उसके दो ट्रेट्स। अब आप बोलेंगे दो ट्रेट्स मींस डोमिनेंट एंड रिसेसिव। अगर हमने हाइट ऑफ द प्लांट, उसमें डोमिनेंट भी लेना है, रिसेसिव टॉल और शॉर्ट या डिवार्फ भी बोल सकते हैं। तो मोनो हाइब्रिड इनका क्रॉस जब हम कराते हैं 50% किसके आते हैं, टॉल के 50%, डिवार्फ के। दैट मींस हम उसके होमोजाइगस होते हैं वो, उनके हम उनका हम क्या करते हैं, उनका हम क्या करते हैं, उनका हम क्रॉस कराते हैं। तो वहां से हमें क्या आता है, वहां से हमें F1 जनरेशन मिलती है। जो ये होमोजाइगस पेरेंट जनरेशन इनका जब क्रॉस कराया, तो हमें F1 जनरेशन मिलती है। जब हमने F1 जनरेशन को सेल्फ पॉलिनेट किया, वहां से हमें 75% टॉल निकला एंड 25% शॉर्ट निकला, 3:1 रेशियो निकला। 75% टॉल निकला, डिवार्फ निकला 25% शॉर्ट निकले। तो हमने सेल पॉली, वो क्या हमारी निकली, F2 जनरेशन। तो जो F2 जो कैरेक्टर्स उस वक्त दिखे, उनको हम क्या बोलते हैं, फिनोटिपिक कैरेक्टर्स। जब हमने इनको सेल पॉलिनेट किया, उसमें जीन्स के हिसाब से देखना है, जीन्स होता है यहाँ जो कैपिटल टी है ना, ये दोनों क्या है, जीन्स है। एक जीन कैपिटल है, दूसरा भी कैपिटल जीन्स है, ये जीन्स होते हैं, कैपिटल टी ये जीन्स है। जब हम इनका रेशियो निकालते इनके जीन्स के हिसाब से, तब हमें 1:2:1 रेशियो निकालता है, और उस रेशियो का हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1 रेशियो। जब हम निकाल, उसमें टॉल तीनों आते हैं, डिवॉर्फ एक ही आते हैं, मगर जीन्स के हिसाब से उसमें रेशियो आता है 1:2:1 जीन्स के हिसाब से। इसी को हम बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। आया समझ? इसमें क्या, डोमिनेंट होते हैं टॉल वाले तीन होते हैं और रेसेसिव वाले एक होते हैं। आया समझ? जब इनका हम की करते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, वहां में फिनोटिपिक रेशियो भी निकलता है, जीनोटिपिक रेशियो जीन्स के हिसाब से भी, और उनका रेशियो टॉल और ना, मतलब मोनो हाइब्रिड क्रॉस करने से ऐसे मिलता है हमें F1 जनरेशन मिलती है। तो ये सारा मतलब मेंडल ने एक्सपेरिमेंट्स किए थे।
क्या 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 मैं बोल रही हूँ कि अगर हम लोगों ने ये मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था पी प्लांट पे, उसने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया था, तो वही मैं बोल रही हूं F1 जनरेशन में हमें प्योर क्या निकला, प्योर जो हमें F1 जनरेशन निकली ना कैपिटल टी स्मॉल टी प्योर टॉल निकला, मतलब प्योर लाइन टॉल मिला। जो ही हमने इसको F2 में सेल पॉलिनेशन की 100% प्योर नहीं मिलता है, वहां पे टॉल भी मिलता है डिवा भी मिलता। F1 जनरेशन की फर्क होती है, F1 जनरेशन में आपको टॉल मिला, क्या मिला टॉल मिला, तो F2 जनरेशन में आपको बोथ मिला, टॉल भी मिला डोमिनेंट में मिला रेसेसिव में भी मिला, मिला कि नहीं, दैट मींस जनरेशन टू जनरेशन इसीलिए वेरिएशन आती है। आया समझ, मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, F1 जनरेशन एक मिली, F2 जनरेशन में डिफरेंट मिला, दैट मींस जो F1 जनरेशन F2 जनरेशन प्रोड्यूसेस क्या, F2 जनरेशन प्रोड्यूसेस 75% क्या वो टॉल करती है, और ये 25% क्या डिवॉर्फ प्लांट करती है। आया समझ, F1 जनरेशन में क्या हो गया, F1 जनरेशन में वो टोटली टॉल थी ना, कैपिटल टी स्मॉल टी आया, वो टॉल हो गया ना, क्योंकि कैपिटल टी क्या है एक्सप्रेसिव है, वहां पे टोटली आ गया हमें। जय हुई, हमने F2 देखा, वहां पे हमें बोथ टॉल भी आया, 75% भी आया, हाँ बिल्कुल डिवॉर्फ भी आया। आया समझ, इससे आपको जनरेशन टू जनरेशन मिला, पता चला कि क्या मटेरियल मिल सकता है, क्या प्रोडक्ट मिल सकता है, दैट मींस जनरेशन F1 जनरेशन में एक टॉल मिला, मतलब एक मटेरियल मिला, टॉल प्लांट मिला। अच्छा मैम, इसका मतलब जो ये जीनोटाइपिक जीन जो हमें मिला ना, ये रेशो, ये F2 जनरेशन का था। मैम आपका माइक बंद है। बोलिए, वही से नेटवर्क इशू है। मैं बोल रही हूँ कि F1 तो हमें पता है टी था, टी कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो फिर जो F2 है वो जीनोटाइप क्रैश जो था हमें, वही है F2। F2 हमें निकला, जो हमें रेशो निकला ना, F2 रेशो हमें निकला, F2 जो हमें निकला ना 75% टॉल निकला, 25% 3:1 जो रेशो है वो ही F2 है। अच्छा वो F2 है, मैं जीनोटाइप और जीनोटाइप आप छोड़ो, आपको F2 निकला बेटा, आपको पता है F2 क्या निकला, आपको F2 जरूर ही आपने क्रॉस किया ना, वीडियो मैं दिखाऊंगी आपको F2 निकला, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी यही निकला ना आपको, मगर ये भी टॉल है, ये क्या है डिवॉर्फ है, क्या है डिवॉर्फ, दैट मींस 3:1 ये जो निकला ना ये F2 जनरेशन है आपकी, ये जो निकला ना कैपिटल टी स्मॉल टी ये निकला आपको F2 जनरेशन। मैम यस, आप मुझे अच्छे से क्लियर हो गया, मैम आप मुझे अच्छे से क्लियर हो गया। वन है ना 3:1 रेशो, वो कैरेक्टर्स उससे हमें डिनोट होते हैं, फिनोटिपिक रेशो मिलता है इससे, 3:1 जो है ना ये फिनोटिपिक कैरेक्टर है, और 1:2:1 जो है वो जीनोटिपिक आया सम। मैम यस, F2 है ना वो मैंने आपको बोला टी कैपिटल टी स्मॉल टी जो है ना वो F2 जनरेशन है। क्लियर हो गया मैम? यस अब हो गया अच्छे से। दैट मींस उसमें 3 टॉल आते एक डिवॉर्फ आता है, क्लियर हो गया। F1 जनरेशन में आपको टोटली टॉल प्लांट मिला, F2 जनरेशन में आप डिवॉर्फ भी मिला। क्लियर हो गया? यस मैम क्लियर हो गया बेटा, कोई कंफ्यूजन? नो मैम। ओके अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स, कल हम डायमंड क्रॉस और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कल हम फर्स्ट लॉबी उठाएंगे, मेंडल्स के लॉबी पढ़ने, लॉ ऑफ डोमिनेंस भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे वो भी उठाएंगे, क्योंकि मैं आपको जल्दी जल्दी ये कंक्लूड करना चाहती हूँ।
ओके अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज, ओके अल्लाह हाफिज।